बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट से ज्यादा टफ टीचरों के लिए है कि हर दिन एक नए गाइडलाइंस है और वह स्टूडेंट पर इंप्लीमेंट करने हैं, और यह गाइडलाइंस स्कूल देते हैं कि उनको सीआईएससी देता है अब पता ही नहीं चलता है। अभी मैं इकोनॉमिक्स आईएससी का वीडियो बनाने जा रहा था और उसी के साथ केमिस्ट्री पर कुछ बातें थी, डिस्कशन करने थे कुछ चैप्टर को, उसी बीच में मैसेज आया है और कहा गया है कि कल से किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नाइदर टीचर नॉर पेरेंट्स और स्टूडेंट के किसी तरह के इन गैजेट्स को इंटरटेन नहीं करना है होम सेंटर वाले एग्जामिनेशन हॉल के निकट। सेकंड बात बोली गई है कि किसी तरह के गाइड्स या फिर किसी तरह के टेक्स्ट बुक को भी एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं देना है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जब एग्जामिनेशन प्रोसेस हो रहे हो, कोई भी टीचर इस दौरान स्टूडेंट के साथ किसी तरह का एकेडमिक रिलेशन नहीं रखेंगे, मतलब कि वो उनको न पढ़ा सकते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉपी की चेकिंग करनी है, तो वो न तो स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाना और किसी तरह के अन्य संपर्क नहीं रखने हैं। इन सबसे स्ट्रेंज बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो पर्सनली हमें जानते हैं या जिनसे लंबे समय तक कॉन्टेक्ट रहा। अच्छा, वो स्टूडेंट के बारे में बताइए जो नाइन्थ क्लास से पढ़ता रहा है, समझता रहा है, और वो आज ट्वेल्थ में आईएससी में और कह रहा है कि सर इकोनॉमिक्स में इन बातों को बता दीजिए, आईएससी केमिस्ट्री में सर ये क्या सब है सर पता बताइए सर। और उस दौरान जब आप बात कर रहे होते हो तो कहता है जो अब गाइडलाइंस स्कूल ने टीचरों को इम्प्लीमेंट कर दिया है और आईएससी 2023 में यह स्ट्रेंज शॉकिंग या कह लीजिए कि पागल कर देने वाला गाइडलाइंस टीचरों पर और स्टूडेंट पर इंप्लीमेंट करने हैं। कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, 24 से इकोनॉमिक्स है और उसके बाद आईसीएसई क्लास 10th के एग्जामिनेशन में तो पूरी तरह से इंप्लीमेंटेड है कि किसी तरह के स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर नहीं होगा। लॉकडाउन के समय में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए दिए गए थे और वो सारे अरेंजमेंट को खत्म करने की बात है, कोई कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया के एक रूप में आपका यूट्यूब भी आता है तो टीचर क्या करेगा। खैर, ये यूट्यूब मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग और पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जिस तरह से ये रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं, बताया यह जा रहा है कि आईसीएसई क्लास 10th के एग्जामिनेशन से ठीक पहले और आईएससी के भी 2-3 मेजर पेपर है, किसी तरह का रिस्क सीआईएससी नहीं लेना चाहती। एक जो थॉट ऑफ स्कूल है वो कह रहा है कि इस समय क्वेश्चन के लीक होने का या एग्जामिनर जो बता रहे हैं बहुत कुछ विश्वसनीय है, जो आगे चलाता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है 100% बता दिया गया। अरे पार्ट वाइज है और वो अंदाज है और उसके साथ वो सही अंदाज भी आ जाते हैं, तो ऐसे में टीचर स्टूडेंट के साथ जुड़े रहते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए सही काइंड ऑफ प्रेडिक्शन भी होता है और उनका अनुभव भी होता है, और सीआईएससी का पैटर्न है जिसको टीचर असेस कर लेते हैं वो बता देते हैं। इसमें आईएससी एंड आईसीएसई क्लास 10th 12th के स्टूडेंट का बेनिफिट है, इस बात को बहुत सारे लोग बचा भी नहीं पाते हैं, तो वे इस तरह के गाइडलाइंस को दे दिए गए। अब इन गाइडलाइंस का मतलब है कि आप लोगों में से किसी के साथ मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते, मतलब कि ले ही नहीं जा सकते, बैग तो आपको स्कूल से बाहर पकड़ा देना होगा। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के साथ कोई भी ले जाता था गेस्ट पेपर अपने जो हेल्प बुक थे या टेस्ट बुक थे, अब उनको भी हॉल सेंटर से पहले आपको डिपॉजिट करा देने होंगे, लॉक होने हैं, और अगर स्टूडेंट ले जा रहे हैं स्मार्टफोन तो उसको पहले से रख देने हैं, और टीचर के साथ किसी तरह के ये कन्वर्सेशन आने के कंडीशन में उस स्टूडेंट के जो कैंडिडेचर है उसके बारे में भी बहुत बड़ी बात बोली गई है। मुझे डराना उद्देश्य नहीं, लेकिन टीचर के लिए तो है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के साथ आ रहे हैं। वेल, मैं तो पहले इकोनॉमिक्स फिर केमिस्ट्री और आईसीएसई के क्लास 10th में लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इन बातों का मकसद यही है कि स्टूडेंट टीचर और हम जैसे टीचर जिनको कॉपी चेक करने के लिए भेजा जाना, वो भी है कि आपको वार्न कर दिया गया है कि हाई अलर्ट पर रखिए, इस वीक के बाद जैसे ही आईसीएसई क्लास 10th के एग्जामिनेशन शुरू होंगे आपके जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है शुरू हो जाएंगे, और फिर कॉपी की चेकिंग जैसे ही कॉपी आ जाएगी आंसर स्क्रिप्ट आपको उसको चेक करने में लग जाना होगा। यानी कि एक तरफ आपके गाइडलाइंस है, एक तरफ आपके एग्जामिनेशन है और दूसरे तरफ कॉपी की चेकिंग है। टीचर के लिए हाई अलर्ट का कंडीशन है और स्टूडेंट के लिए तो जो कुछ बातें बता दी गई है वो एज इट इज डिटो, मतलब कि यही सीआईएससी का अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है, और यह बात काफी शॉकिंग स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। तो बने रहिए इस तरह के शॉकिंग के लिए, क्योंकि देर से वीडियो दिया माफी चाहूंगा, लेकिन जो बातें पता चली आपके साथ शेयर करना सबसे पहले उचित समझा। बाय फॉर नाउ। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।